सेमिनार में बतौर अतिथि मुख्य रूप से आर्थोपेडिक डॉक्टर चिंतन पटेल रहे तथा गेस्ट ऑफ ऑनर के तौर पर डॉक्टर अर्पण ढोका एवं सुप्रसिद्ध सर्जन डॉक्टर सुकेश ठाकुर रहे। इस कार्यक्रम के मुख्य आयोजक आइडियल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के प्रोफेसर डॉक्टर विद्यासागर दुबे ने हमारे प्रतिनिधि को बताया कि सहयोग संकल्प आयुर्वेदिक वेलफेयर एसोसिएशन एक रजिस्ट्री संगठन है जिसमें करीब 200 से अधिक विभिन्न क्षेत्र के डॉक्टर जुड़े हैं जो समय समय पर विभिन्न प्रकार से युवा डॉक्टर का सहयोग एवं मार्गदर्शन करते रहते हैं। आइए नजर डालते हैं इस खास खबर पर हमारे संवाददाता महेंद्र मणि पांडे के साथ। खास करके जो सबके साथ बात करने का इंटरेक्शन और खुद ही अपने डॉक्टर्स के साथ सबके साथ तो बात करने का चांस मिलता है, बहुत सारे उनसे सीखने को मिलता है, उनको हम लोग बात कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। काफ़ी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो पेशेंट्स को कभी कभी एक बोलते कंफ्यूज कर देती है, कभी कभी उनको पता नहीं चलता कि अभी क्या करना है, वो चीज़ क्लियर कर सकते हैं और काफ़ी अच्छा रहा। ऐसी चीज़ें शायद बार बार होनी चाहिए तो सबके लिए अपने को फ़ायदा ही है और सबके लिए अपने को वो नॉलेज शेयरिंग कर सकते हैं, एक दूसरे से आदान प्रदान हो सकता है नॉलेज का, विचारों का, जो उनकी तकलीफें हैं, जो हमारी तकलीफें हैं, पेशेंट की तकलीफें हैं, सब शेयर कर सकते हैं, तो बहुत बढ़िया रहा। आप सर एक आर्थोपेडिक डॉक्टर हैं, आज के जो युवा पीढ़ी आर्थोपेडिक्स बनना चाहे क्या संदेश देना चाहेंगे? उनको बोलूँगा बहुत वेलकम है उनका सबका। आर्थोपेडिक एक बहुत इंटरेस्टिंग फील्ड है और बहुत ज़रूरत है नए लोगों का, क्योंकि अभी इतना नया टेक्नोलॉजी आ रहा है आर्थोपेडिक्स में, सभी चीज़ों में अभी जितना चीज़ पहले नहीं था थोड़े सालों पहले, अभी वो बहुत 4 घंटे का ऑपरेशन भी 1 घंटे में हो जाता है। सो सबके लिए वेलकम है और ज़रूरत है नए लोगों का, नए ये फील्ड में अपने को बहुत ज़रूरत है आर्थोपेडिक्स। आइडियल इंस्टीट्यूट के चेयरमैन को क्या संदेश देना चाहेंगे? बोलूँगा कि बहुत अच्छे से ये प्रोग्राम रखा गया था, उनको बोलूँगा ऐसे प्रोग्राम और रखेंगे हम लोग, हमारी तरफ से भी बहुत इनपुट आएगा। ये तो बहुत छोटी छोटी चीज़ें हम लोग ने आज कवर की, काफ़ी ज़्यादा और हम लोग मेडिकल फील्ड में कवर कर सकते हैं, उसको ही हम लोग टारगेट करेंगे। जो चीज़ हम लोग को सबके लिए काम का हो, पेशेंट्स के लिए खास करके काम का हो, उनके लिए जो फायदेमंद हो, उसके हिसाब से हम लोग वापस प्लान कर सकते हैं, प्रोग्राम रख सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं। मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ इस एसोसिएशन का और सब डॉक्टर्स का जिन्होंने हमें बुलाया और हमें अपॉर्चुनिटी दी कि हम उनसे इंटरेक्ट कर सके, हमारा नॉलेज शेयर कर सके और अपना खुद का भी नॉलेज बढ़ा सके उनको मिलके। तो मैं बहुत खुश हूँ इस कार्यक्रम को लेके और मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ एसोसिएशन का। डॉक्टरों को क्या संदेश देना चाहेंगे? डॉक्टरों को यही कहना चाहता हूँ कि जितना हो सके मिलजुल के काम करेंगे तो पेशेंट को भी अच्छी ट्रीटमेंट मिलेगी और पेशेंट भी खुश होंगे, जिसकी वजह से जिस उद्देश्य से ये ऑर्गेनाइजेशन चालू किया है उस उद्देश्य को हम सब मिलके सफल कर सकते हैं। सर एक सवाल और है, आप एक कहा जाए तो ट्यूबरक्लोसिस के बड़े डॉक्टर माने जाते हैं और इस समय गाँव ग्रामीण अंचलों में देखा जाए तो बहुत ज़्यादा पेशेंट मिलते हैं, तो उनके लिए क्या सेवा देना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगर आपको सुविधा टीबी का ट्रीटमेंट लेने के लिए कहीं दिक्कत आ रही हो तो आप सरकारी अस्पताल में चले जाइए जहाँ पे पूरी तरह से मुफ्त से इलाज होता है टीबी का, और टीबी से घबराइए मत, वो पूरी तरह ठीक होने वाली बीमारी है, पूरी तरह से उसका इलाज करेंगे तो आपका टीबी पूरी तरह से ठीक होने वाला है। तो इसके लिए टीबी हुआ तो भी घबराइए नहीं, ट्रीटमेंट कीजिए, इलाज है, अच्छे से हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिए मैंने तो जितना सोचा था उससे काफ़ी अच्छा कार्यक्रम हुआ और उसका एक उदाहरण देखा जाए तो इतने बड़े जो हमारे बीच में सर्जन हैं जिनका काफ़ी समय कीमती रहता, आधा घंटा भी वो एक जगह समय नहीं देते और इस कार्यक्रम के लिए यदि उन्होंने 2 घंटा समय दिया है अपना कीमती समय, और हमारे जो मेंबर्स हैं सहयोग संकल्प के उनको दिशा निर्देश दिया है, तो मैं तो समझूंगा कि मेरा कार्यक्रम काफ़ी सफल रहा। क्या संदेश देना चाहेंगे अन्य डॉक्टरों को जो आपकी संस्था से नहीं जुड़े हुए हैं? अब जो नहीं जुड़े हैं उनका भी स्वागत है, ये संस्था तो सहयोग संकल्प है, हमेशा सहयोग करती है, हालांकि संस्था का नियम है जो मेंबर रहता है उसी का हम लोग उसके जो केसेस सॉल्व करते हैं और उनके लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, लेकिन जो नॉन मेंबर भी हैं उनके लिए भी हम लोग सहयोग करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं और सहयोग करते हैं। आपकी संस्था से जो जुड़े हुए डॉक्टर उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? मेरे संस्था से जो जुड़े हुए डॉक्टर हैं उनको तो मैं यही कहूँगा कि आपका जो पेशा है उसको देखिए, एसोसिएशन तो हमेशा चलती रहेगी आपके साथ है, लेकिन आप बड़ी निष्ठा और ईमानदारी से पेशेंट को देखिए और उसकी सेवा लीजिए। सर एक सवाल और है कि आप अपने सहयोग संकल्प आयुर्वेदिक वेलफेयर एसोसिएशन के माध्यम से जो है बुजुर्गों को क्या सेवा देना चाहेंगे फिलहाल?
देखिए बुजुर्गों के यदि आप प्रश्न करेंगे तो उसमें दो चीज़ें आती है, एक तो कुछ आर्थिक रूप से काफ़ी कमजोर हैं तो हमें बुजुर्गों की तरफ ये देखना चाहिए कि यदि वो सक्षम है तो ही हम फीस लेवें, और यदि ऐसा बहुत सही जगह है कि वो रिटायर पर्सन है उसके पास पैसा देने की क्षमता नहीं है तो मेरे जो डॉक्टर मेंबर हैं उनसे तो मैं आग्रह करूँगा कि यदि ऐसे पेशेंट आते हैं जो कि फीस आपकी पे नहीं कर सकते तो आप निःशुल्क इलाज कीजिए, और वो यदि आपका फीस किसी भी तरह का चार्जेज होगा तो एसोसिएशन आपको पे कर देगा।